अज्ञात मोबाइल धारक द्वारा बेकरी कर्मचारी से ऑनलाइन ठगी के नाम पर 80,000 रुपए लेकर फरार हो गया। इस शिकायत के बाद मोहन नगर पुलिस जांच में जुट गई है। मोहन नगर थाना क्षेत्र में बेकरी कर्मचारी के खाते से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए 80,000 रुपए पार कर लिए गए। लगभग एक सप्ताह पुरानी ये बात है। इस मामले में बेकरी कर्मचारी की शिकायत पर मोहन नगर पुलिस ने अज्ञात मोबाइल धारक पर 420 धारा के तहत अपराध दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बता दें कि सत्यम बेकरी दुर्ग में काम करने वाले धर्मेंद्र सिंह ने थाने पहुंचकर ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। धर्मेंद्र सिंह ने अपनी शिकायत में बताया कि उसका खाता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा सिहोनिया जिला मुरैना में है और उसने ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है। इसके बाद मामले में मोहन नगर थाने में शिकायत की गई और पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में दुर्ग से एसपी ने इस तरह की जानकारी मीडिया के समक्ष दी है। बेकरी में कार्य करने वाला एक कर्मचारी है धर्मेंद्र करके, उसके साथ टावर लोकेशन एक्टिवेट कराने के नाम पर 80,000 का धोखाधड़ी हुआ था, जिसमें हमने अपराध पंजीबद्ध किया हुआ है। विवेचना की जा रही है, आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन ठगी के जितने भी शिकायत आ रही है, उसमें एक बात कॉमन है कि लोग कस्टमर केयर या अन्य नाम से आपको लगातार फ़ोन करते हैं, तो आम पब्लिक को भी ये समझना चाहिए कि कोई भी कंपनी या बैंक खुद से कॉल नहीं करती है। उनको ध्यान रखना चाहिए, इन पर रिस्पांस नहीं देना चाहिए और खुद बैंक में या फिर उस कंपनी में जाकर इंक्वायरी करनी चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।